यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज ए वेवलेंथ डज इट ऑल्सो हैव ए कलर? कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कंफ्यूज ही कर देता है स्टार्टिंग में। अगर भाई डी ब्रोगली ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है ना एच बाई पी से, ठीक है, तो भाई फिर उसका कलर भी होगा क्या ना। तो देखो पहले तो दो चीज़ें, हमारी आईज है ना, हमारी जो आईज होती है, आईज के अंदर जो भी तुम्हारा रेटिना है उसमें जो रॉड्स एंड कॉन्स हैं वो फोटो सेंसर्स होते हैं, मतलब फोटोन्स को सेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करेंगे ना। इलेक्ट्रॉन्स मतलब बीटा रेज, इलेक्ट्रॉन्स मतलब बीटा रेज। और इसमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं ना। तो डज इट ऑल्सो हैव ए कलर? नो, ठीक है, नहीं। इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका और है। सोचो हमें कौन सी वेवलेंथ की लाइट दिखती है? सोचो हमें तो फोटोन भी सारे नहीं दिखते यार, हमारी आंख एक्सरेज को नहीं देख पाती, गामा रेज को नहीं देख पाती, अल्ट्रा वायलेट को नहीं देख पाती, इंफ्रारेड को नहीं देख पाती, हम तो फोटोन ही विजिबल लाइट देखते हैं यार। 400 नैनोमीटर से लगभग 780 है ना, 700 मान लो नैनोमीटर तक के देख पाते हैं, और इसकी वेवलेंथ बहुत कम है यार। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा होता है। इसकी स्पीड अपन ने देखी है, इसकी स्पीड अराउंड 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड तो बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है इट इज लाइक वेरी वेरी मच लेस देन 400 नैनोमीटर, से बहुत कम है। तो ये अगर हमारी जो ये जो इसकी जो भी वेवलेंथ है वो हमारे विजिबल रीजन में वैसी लाई नहीं करती, सो वी कैन नॉट सी इट, है ना। ठीक है, समझ में है ना। अब एक तगड़ी चीज और बताता हूँ, बीटा रेज क्या होती है ना। तो जब ये पढ़ा ये क्वेश्चन तो ठीक है, इसका आंसर तो क्लियर था भाई, नो, पर फिर क्वेश्चन ये आया व्हाट अगर तुम्हारी आंखों में इलेक्ट्रॉन्स को मारे मतलब बीटा रेज, अगर बीटा रेज तुम्हारी आईज पे फायर करी तो क्या हुआ? तो पता है इस पर पूरा रिसर्च है, तगड़ा रिसर्च हो रखा है, और ये पूरा रिसर्च तुम्हारी फील्ड का होता है, बायो के फील्ड का, है ना। तो इस पर बहुत सारी चीजें होती है, इंडीड अल्फा रेज बीटा रेज इन सब पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए ना। सो दे हार्म योर आईज, ऑफकोर्स एज एक्सपेक्टेड दे विल हार्म योर आईज, है ना। तुम्हारे आईज में अलग अलग तरीके की डिसीज हो सकती है जिनके नाम मुझे समझ में नहीं आए थे, कैटरेक्ट वगैरह जो भी थे वो तुम पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ना। हाँ, सो बट दे आर हार्मफुल, पर उनको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करा जाता है, जैसे लेजर यूज होती है ना, तो उनका यूज हो रहा है कि अपन इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सो ना, वो अपने आप में एक अलग चीज है।